हमारे यूनिवर्स में करीब 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन सभी गैलेक्सीज में अरबों खरबों तारे मौजूद हैं, जिनमें इन अलग अलग गैलेक्सीज में हमारी धरती के जैसे अरबों ग्रह मौजूद होंगे। हम अनुमान लगाकर कहें तो शायद धरती के अलावा उन अरबों ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जरूर होगा जहाँ हमारी तरह कोई अलग सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी। अगर इस भयानक और सुनसान ब्रह्मांड में हम इंसान हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे अलावा ऐसे बहुत से अलग गैलेक्सीज के लोग भी एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन इत्तेफाक कि ना तो हम उन्हें जानते हैं और ना ही वो हमें। शायद जितना मुश्किल हमारे लिए स्पेस को एक्सप्लोर करना हो, शायद उतना ही मुश्किल उन लोगों के लिए भी हो। और यही कारण है कि ना तो कोई हम तक पहुँच पा रहा है और ना ही हम उन तक। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हम क्यों जी रहे हैं? इस ब्रह्मांड में होने का हमारा मकसद क्या है? ये पृथ्वी, आकाश, पाताल, सूरज, चांद और पूरा ब्रह्मांड किसके लिए है? ऐसा क्या हो सकता है जो हमारे मकसद को पूरा करके हमारी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बना दे? दोस्तों, कहने को तो हम इंसान बहुत एडवांस हैं, लेकिन जब बात आती है यूनिवर्स की तो क्यों हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये सब एक झूठ है। हम सब एक लूप में फंसे हुए हैं, एक ऐसा लूप होल जहाँ से कोई नहीं निकल सकता जब तक कि वो मर ना जाए। ये पूरा ब्रह्मांड हमारे और आपके सोच से कहीं ज़्यादा अजीब है। यहाँ इंसान तो होते हैं, जीवन भी होता है, लेकिन उसका अंत भी जल्दी ही हो जाता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह यूनिवर्स खुद भी फैल रहा है। हम इसे ऑब्जर्वेबल यानी धरती से हम यूनिवर्स को जितनी दूर तक ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ आकर कहानी ख़त्म नहीं बल्कि शुरू होती है। क्या जहाँ तक हम देख पाते हैं वहीं तक यूनिवर्स है? क्या उसके आगे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है? अगर देखा जाए तो क्या ये यूनिवर्स अनंत है या फिर ऐसे कई यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार ये भी संभव हो सकता है कि हमारे जैसे कई यूनिवर्स मौजूद हैं। दोस्तों, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, समय, आकाश, ऊर्जा, पदार्थ और इस पदार्थ से बने सभी ग्रह और आकाश गंगाओं का समूह है, जो कि हमारी कल्पना से भी कई गुना बड़ा और सूक्ष्म है, जिसमें अरबों खरबों ग्रह और आकाश गंगाएं पता नहीं क्या क्या छुपा रही हैं। हमने आज तक यूनिवर्स को सिर्फ और सिर्फ 5% को ही जाना है। आज तक वैज्ञानिकों ने 5% से जितना यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है उसमें आज तक पृथ्वी जैसी कोई और प्लैनेट नहीं मिली है। अरबों खरबों ग्रहों मल्टीवर्स के बीच में एक पृथ्वी ही हमारा ऐसा केंद्र बना हुआ है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम इंसानों ने जब चांद पर कदम रखा तो पता चला कि वहाँ की ज़मीन अरबों सालों से सुनसान पड़ी है। फिर हमने मंगल यानी मार्स पर भी अपने रोवर्स भेजे, लेकिन वहाँ भी जीवन का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसके अलावा मरकरी और वीनस तो सूरज के आँच में जल रहा है और बाकी बचे ग्रह भी गैसेस से भरे हुए हैं जहाँ जीवन असंभव है। हमने सोलर सिस्टम के उपग्रहों और उसके बाहर मौजूद तारों और ग्रहों की स्टडी की तो वहाँ भी सब कुछ वीराना सा दिखा। ऐसे में वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि अगर पृथ्वी के अलावा इस पूरे गैलेक्सी में बंजर है तो आखिर हम इंसान पृथ्वी पे क्यों हैं? आखिर किसने बनाया हमें और बनाया भी तो क्यों, और उसका मकसद क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम इंसान ही क्यों हैं? हर बार आखिर धरती से लाइफ ख़त्म होने के बाद भी हमारा अस्तित्व आज भी धरती पर मौजूद है। धरती पर डायनासोर के साथ साथ कई बार जीवन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसके साथ पूरी पृथ्वी भी, लेकिन हर बार ये यूनिवर्स हमें जीवन को नए तरीके से आगे बढ़ाने का तरीका देते रही है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए
कि अगर हम इंसान को यूनिवर्स ने बनाया है तो वो हमें नष्ट भी कर सकती है।